हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर बीएचपी। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और आज हम लोग करने वाले हैं RS 200 का ओनरशिप रिव्यू। तो ये जो RS मेरे सामने खड़ी है, ये आपकी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है जो इस समय RS आपको मिल सकती है। BS 6.2 बोल सकते हैं, BS 6.2 या फेस 2 बोल सकते हैं, BS 7 भी काफ़ी लोग इसको बोल रहे हैं। 820 कंप्लायंस के साथ इसका इंजन आता है। तो एक बार चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मिस्टर आकाश, कि ये जो RS है ये कितने किलोमीटर आप रन कर चुके हैं? 15,000 किलोमीटर आप रन कर चुके हैं इस RS को। जी, तो काफ़ी ज़्यादा रन कर दिया। कब आपने ख़रीदा था ये? 26 अप्रैल को ख़रीदा था मैंने। 26 अप्रैल को आपने ख़रीदा था। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 6 महीने आपके हो गए। 6 महीने में आपने 15,000 किलोमीटर चला दिया। तो काफ़ी ज़्यादा रन कर रहे हो आप, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप बाइक को इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो इसकी जो वैल्यू है उसको कितना, जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताया कि जिस टाइम आप ये RS लेने गए थे, उस टाइम आपके मन में क्या था कि आपको फेयरिंग वाली ही बाइक लेनी है कि कोई भी बाइक लेनी है? नहीं, फेयरिंग सोचे थे मैं तो। फेयरिंग आपने सोची? तो फेयरिंग में और भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। आपके पास R15 का ऑप्शन था, आपके पास जिक्सर 250 का ऑप्शन था, इसके आपके पास RC का ऑप्शन था। तो आप RS के लिए क्यों गए? मुझे R15 तो ऐसे भी नहीं पसंद है, और जिक्सर थोड़ा सुजुकी का मॉडल है, मुझे वो भी पसंद नहीं था। और मेरा दोस्त इसको चलाता था, मैं भी सोचा कि देखता हूँ, मैं भी इसको यूज़ किया भी था, तो मैं कहा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, फ्रेंड्स आपके यूज़ कर रहे थे तो वहाँ से आपको लगा? BS4 लिया हुआ है, उसी थ्रू मैंने भी लिया। तो जब आपका जो फ्रेंड BS4 वर्जन चलाता था, आपकी BS6 फेज 2 है या फिर BS7 वर्जन है, BS7 वर्जन हम लोग उसको बोलेंगे आगे से, तो कोई डिफरेंस आपको लगा इसको चला के? कुछ खास तो नहीं किए हैं, बस ऊपर से मॉडल जो चेंज की है, इसकी फिनिशिंग बहुत गंदी है। फिनिशिंग बहुत गंदी है? बहुत गंदी है। जब बाइक ली है तभी से खुला हुआ है सब, शुरुआत से ही। हाँ, इसके पैनल्स में गैप बहुत ज़्यादा है। एक फेयर्ड बाइक के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा गैप है, इस साइड में कितना गैप है, यहाँ पे कितना ज़्यादा गैप है, यहाँ पे कितना गैप है। तो ये तो नहीं बोल सकते कि फिनिश के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है। फिनिश के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है बजाज को इस पर। तो बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट के ऊपर जाते हैं कि सर्विस कॉस्ट कितनी आ रही है। लोग बोलते हैं कि बजाज की बाइक का सर्विस कॉस्ट कम आएगी, तो कितनी सर्विस हो गई? अप्रॉक्स वही 900 रुपये आती है बस। 900 रुपये आती है आपकी? फ्री सर्विस चल रही है अभी? नहीं, अभी तो मैंने पेड कराया है। पेड सर्विस का कितना खर्चा आया था? 900 रुपये ही है। 900 रुपये आया था, तो देखा जाए कि बहुत ज़्यादा कम आया था। कोई अभी तक कोई भी पार्ट इसमें चेंज हुआ है? नहीं, कोई पार्ट नहीं चेंज हुआ। कोई भी पार्ट नहीं चेंज हुआ अभी तक इसमें? नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले चलते हैं हैंडलिंग की तरफ। तो ये तो इसकी हैंडलिंग कैसी है बाइक की? हैंडलिंग अच्छी है इसमें। आपको बाइक जैसे चलाते हैं तो कमर में दर्द होता है, ये सब सही है इसमें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। से भी बहुत बेटर है। हाँ, थोड़ी सी मतलब देखा जाए तो स्पोर्टी बाइक है, लेकिन काफ़ी अपराइट है, तो टूरर भी बोल सकते हो आप, स्पोर्ट्स टूरर बोल सकते हो। और बाकी सीट्स का कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट अच्छा है। सीट का कंफर्ट में कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपने किया अभी तक? मैं गया हूँ 500 किलोमीटर तक गया हूँ। 500 किलोमीटर तक आप गए हो? तो कोई सीट में प्रॉब्लम हुई? मैं गया कंटिन्यू, पूरा दिक्कत नहीं। लिक्विड कूल है इंजन, कहीं आपको लगा कि हीट कर रहा है, गर्म हो रहा है ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब लॉन्ग रन में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर्स की बात कर लेते हैं, टायर कैसा इसका काम कर रहे हैं आपको, मतलब कॉन्फिडेंस रहता है? कॉन्फिडेंस तो है, बट टायर कोई बहुत वही है कि अब 15,000 किलोमीटर चली है, टायर खराब हो चुका है। ओके, बारिश में कैसा कॉन्फिडेंस देते हैं टायर इसके? टायर इसके फिसलते हैं, फिसलते हैं बारिश में, स्लिप मार रहे हैं। मतलब और ज़्यादा ग्रिप की ज़रूरत है, ग्रिप की ज़रूरत है इसमें। बाकी ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की? ब्रेकिंग अच्छी है। ऐसा लगता है आपको बाइट जो है ब्रेक की आपकी, वो अच्छी सी बाइक मिल रही है जब आप ब्रेक मारते हो? जहाँ पे आपको लगता है रुकनी चाहिए गाड़ी रुक जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? ठीक है, बाकी देख लेते हैं इसका। अच्छा, एक और चीज़ है, RS जो है इसमें आपके डुअल प्रोजेक्टर्स मिलते हैं। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा बेटर थ्रो है इसका। तो रात में आपने कभी ड्राइव किया होगा हाईवेज पे, तो थ्रो कैसा है इसका, आपको कभी प्रॉब्लम हुई? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगता है कि सफिशिएंट थ्रो है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि मतलब ज़्यादातर चीज़ें तो मुझे लग रहा है, जैसे आप बता लो लॉन्ग रन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हैंडलिंग बेटर है, बाकी चीज़ें बेटर है। एक दिक्कत जो आपने बताई कि फिट फिनिश बहुत ख़राब है, गैप बहुत ज़्यादा है पैनल में। बाकी इंजन की जो, जैसे आप बाइक चलाते हो तो स्मूथनेस कैसी है इंजन की? इंजन की स्मूथनेस सही है, बट कुछ आवाज़ें आती है इसमें से, इंजन से ही आती है, कहाँ से आती है पता ही नहीं चलता, शुरू से ही ऐसी है, जब स्टार्टिंग करते तब आती है कुछ आवाज़ें। अच्छा, मतलब गाड़ी में आवाज़ आपकी कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो आपने सर्विस सेंटर में दिखाया कि दिखाया है, बट कुछ उसका सोल्यूशन नहीं बता रहे। सर्विस इनकी सही है नहीं कोई।
बजाज की सर्विस। अच्छा ये मैंने अभी इससे पहले एक और रिव्यू किया था, उन्होंने भी बताया था बजाज का कि यार बजाज की सर्विस बहुत ख़राब हो रखी है, आप भी ये फीडबैक दे रहे हो, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप में से कोई बजाज की बाइक ओन करता है तो आप लोग का फीडबैक क्या है कि बजाज की सर्विस को लेके क्या मेंटालिटी बनी हुई है, क्या सर्विस सही से बजाज वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई इस बाइक में नहीं है, आपने बता ही दिया। कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा बहुत यही जो किया गया है मीटर में थोड़ा बहुत है कि हाँ गियर वगैरह का वो, और कुछ खास चेंज नहीं है इसमें। इसका बाकी ऐसा कोई पार्ट अभी तक चेंज हुआ है गाड़ी का? नहीं नहीं अभी कोई ऐसा ब्रेक पैड हो गया, ब्रेक शूज हो गए? ब्रेक पैड तो कितनी बार चेंज हो चुका? कितनी बार? अब 15,000 में मैं कम से कम कुछ नहीं तो 5 बार चेंज करा चुका। 5 बार? तो ब्रेक पैड तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी घिस रहे हैं, एटलीस्ट 5,000-7,000 किलोमीटर तो चलने चाहिए। वही चीज़ है, ब्रेक पैड हमेशा घिस जाते हैं, हमेशा घिस जाते हैं इसके। और कोई आपने छोटा मोटा कोई पार्ट चेंज करा? इसमें मैंने क्लच प्लेट डलवाया है। क्लच प्लेट डली है गाड़ी में? अभी तो सिर्फ 15,000 चली है। अब मैं तो 3,000-4,000 पर ही क्लच प्लेट खत्म हो गई थी मेरी, तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी इशू आपको इसमें लग रहा है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपको मतलब बजाज को फीडबैक देने का मौका मिले तो आप क्या चाहेंगे कि बजाज इसमें इम्प्रूवमेंट लाए? बजाज को अपने पहले तो सबसे पहले फिनिशिंग और सर्विस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइड अच्छे से करें। मैं तो किसी को सलाह नहीं दूंगा कि ये दोबारा किसी को ये बाइक खरीदे। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे हो गाड़ी से इससे, तो सबसे ज़्यादा दुखी आप बजाज की सर्विस से हो और बाकी जो आपके इसका मतलब फिट और फिनिश है उससे ज़्यादा दुखी। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पार्ट्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसा आपने बताया कि 4,000-5,000 पे क्लच प्लेट आपको चेंज कराना पड़ी, 5-6 बार आपके ब्रेक शूज चेंज हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं बजाज इसकी पार्ट्स की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहा है। और बाकी जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कभी आप किसी बाइक को रिकमेंड करोगे नहीं करोगे, वो आपने पहले ही बता दिया कि बाइक आप रिकमेंड नहीं करने नहीं वाले, करने वाले किसी को नहीं करेंगे। तो भाई ये था आपकी बजाज की पल्सर RS 200 का ओनरशिप रिव्यू, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप में से कोई RS ओनर है तो आप लोग को RS का कैसा फीडबैक मिल रहा है। ये RS में BS7 की बात कर रहा हूँ, जो न्यू जनरेशन RS आपकी आई हुई है। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरा एक दूसरा चैनल भी है सोलो ट्रैवलर, वहाँ पर आप थोड़े से ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेगा, स्पीड टेस्ट हो गया और आपकी बाइक की जो टॉप एंड हो गया, उसके अलावा ड्रैग रेस हो गया, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करता हूँ। दिस इज़ राम साइनिंग ऑफ।